दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल देश के कुछ दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में। इजराइल एक यहूदियों का देश है और आपको पता है इजराइल दुनिया में किसी भी जगह रहने वाले यहूदी को अपने देश का नागरिक मानता है। इजराइल में हिब्रू भाषा बोली जाती है। क्या आपको पता है कि इजराइल इतना छोटा सा देश है कि इसके पूर्व से पश्चिम तक का सफर आप दौड़कर सिर्फ 2 घंटे में ही पूरा कर सकते हो और ऊपर से नीचे का सफर सिर्फ 9 दिनों में पार कर सकते हो। क्या आप जानते हैं इजराइल अपने नोटों में ब्रेल लिपि का प्रयोग करता है जिसकी वजह से अंधे लोग भी नोट की आसानी से पहचान कर लेते हैं। इजराइल के बारे में एक विचित्र तथ्य ये भी है कि इजराइल ने आज तक अपने किसी भी दुश्मन को जीवित नहीं छोड़ा। इजराइल के ऊपर हमला करने वाले सभी दुश्मनों की मृत्यु निश्चित है। क्या आपने मोसाद का नाम सुना है? मोसाद यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि इसी ही देश की है। इजराइल की महिला किसी भी तरह का कपड़ा पहन ले वो हमेशा अपने साथ खतरनाक हथियार लेकर ही निकलती है। सबसे पहले पेंटियम चिप माइक्रोसॉफ्ट के लिए इजराइल में ही बनाई गई थी तथा पहली वॉइस मेल भी इजराइल में विकसित की गई थी। इजराइल में सुअर पालना प्रतिबंधित है, ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है। दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस भी 1979 में इजराइल में बना था। इजराइल में 90% जनसंख्या सौर ऊर्जा का प्रयोग करती है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल में किताबों की केवल 40 दुकानें हैं क्योंकि इजराइल में हर किसी व्यक्ति को सरकार की तरफ से ही किताबें मुहैया कराई जाती है। 4.16 किलोमीटर लंबी चौड़ी दुनिया की सबसे छोटी बाइबल भी इजराइल में बनी है। नरेंद्र मोदी ही भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने इजराइल की यात्रा की हो। पूरी दुनिया में सबसे कम बारिश इजराइल में होती है, इसके बावजूद भी इजराइल में कृषि उत्पादन में पिछले 25 सालों में 7 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इजराइल में तय किए गए वजन से कम वजन होने पर किसी भी लड़की को ब्यूटी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। वो ऐसा मानते हैं कि सुंदर दिखने का मतलब सेहत खराब करना नहीं होता है। दोस्तों और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।